लिखा कि मैं क्यों वहाँ था, क्या मैंने वहाँ किया और फिर मैंने क्यों आरएसएस छोड़ा। आरएसएस के लोगों ने खाने से इनकार कर दिया, पैक करवा के ले गए और आगे के गांव में जाकर के फेंक दिया उन्होंने उस खाने को। कि उस हिंदू राष्ट्र में अल्पसंख्यकों की, महिलाओं की, दलितों की, आदिवासियों की, घुमंतू लोगों की क्या जगह हो, ये कथनी का सवाल नहीं है, करनी का सवाल है। वो जो कहते हैं उनका काडर उसके ठीक विपरीत काम करता है। भारतीय समाज में किसी को 100 साल पूरे होते हैं तो ये उनकी तीसरी के रूप में मानते हैं कि भाई इनके 100 साल पूरे हो गए अब। लेकिन यहाँ ये जो 100 साल पूरे हुए इनके, ये इनका पूरा एक तरीके से जवानी का पीरियड जैसा है। तो मैं था बचपन में, किशोरावस्था में था और 5 साल में संघ में रहा, कार सेवा में भी भाग लिया मैंने। वहाँ जो जातिगत भेदभाव और जिस तरह का छुआछूत मैंने सहन किया, उसकी वजह से मैंने आरएसएस को छोड़ा और वही छोड़ने का जो पूरा कारण है उसको मैंने अपनी किताब में लिखा कि मैं क्यों वहाँ था, क्या मैंने वहाँ किया और फिर मैंने क्यों आरएसएस छोड़ा। क्या देखकर गए थे आरएसएस में सर? देखिए, बचपन में तो कुछ देख करके जाने जैसा कुछ होता नहीं है। 13 साल की उम्र में वहाँ खेलने कूदने के लिए गए और आप अगर पूरी हिंदी पट्टी में देखेंगे तो आप घर से बाहर निकल करके जैसे ही किसी सार्वजनिक पार्क में जाते हैं तो वहाँ आरएसएस की शाखा लग रही होती है। तो बचपन में आप खेलने के लिए, क्या एक्सरसाइज, जातिवाद है क्या अंदर संघ के अंदर? निश्चित रूप से। आपने कुछ फेस किया हो सर? बिल्कुल किया। क्या है? बिल्कुल किया है और कई मौक़ों पर किया है। और एक बड़ा प्रसंग तो ये था कि जहाँ पर मेरे घर पर बना हुआ खाना आरएसएस के लोगों ने खाने से इनकार कर दिया, पैक करवा के ले गए और आगे के गांव में जाकर के फेंक दिया उन्होंने उस खाने को, और उसके बाद उन सारी सवालों को उठाते हुए मैंने आरएसएस को छोड़ा। तो मतलब कितना सीख पाए संघ शाखाओं से आप, कुछ पॉजिटिव चीज़ें? नेगेटिव ज़्यादा सीखा और जो सीखा उसको डीलर्न करने में काफ़ी साल लगा। जो द्वेष मेरे अंदर आया विभिन्न समुदायों के प्रति, अल्पसंख्यकों के प्रति, उससे बाहर निकलने में, मैं संघ से तो बाहर निकल गया लेकिन मेरे भीतर जो संघ था दिमाग में चला गया था, हाँ, उसको बाहर निकालने में 10 साल और लगा। लेकिन सर आरएसएस जो है वो राष्ट्रवाद की बात करता है, तो राष्ट्रवाद है कैसा सर ये? देखिए, आरएसएस तो खुद ही राष्ट्र है, अपने आप को राष्ट्रीय कहता है, लेकिन उनकी राष्ट्र की परिभाषा में कौन है? आपकी राष्ट्र की परिभाषा में अल्पसंख्यक नहीं है 15%, आपकी राष्ट्र की परिभाषा में आधी आबादी की औरतें नहीं है, तो आप कितने एक लोगों का राष्ट्र हैं? तो दरअसल राष्ट्रवाद के नाम पर और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पे सवर्ण एक ब्राह्मण वर्चस्ववाद का जो राष्ट्र बनाना संघ चाहता है, वो राष्ट्रवाद के आवरण में पूरी तरीके से एक जातिवादी वर्चस्व की परियोजना। संघ में सर किसी दलित को जिम्मेदारी मिली बड़े पैमाने पर, बड़े ओहदे पर अभी तक? ये सवाल तो मुझे लगता है कि संघ के सरसंघ चालक से पूछना चाहिए, कि क्योंकि संघ के लोग बहुत आजकल कहते हैं कि हमने राष्ट्रपति बना दिया, हमने दलित को, हमने बना दिया आदिवासी को, तो हम सवाल उनसे यही पूछते हैं कि भाई ये तो भारत के संविधान की वजह से आप राष्ट्रपति बना रहे हैं ना, आप संघ में सरसंघ चालक क्यों नहीं बना देते किसी दलित को या किसी आदिवासी को? वो तो नहीं बना आज तक। किसी महिला को भी जिम्मेदारी नहीं मिली बड़े पैमाने पर? महिलाएँ तो है नहीं, तो मिलेगी कैसे? तो सर महिलाओं के बिना कैसे बनेगा राष्ट्रवाद, कैसे फैलेगा देश? मैं वही कह रहा हूँ कि ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, जबकि सवाल, क्योंकि सर आपने समय गुजारा ना वहाँ पे। ना, समय गुजारा अलग चीज़ है, लेकिन मैं अब नहीं हूँ वहाँ पर, और अब जो वो हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, सवाल तो ये पूछना पड़ेगा कि उस हिंदू राष्ट्र में अल्पसंख्यकों की, महिलाओं की, दलितों की, आदिवासियों की, घुमंतू लोगों की क्या जगह होगी, वो कहाँ होगी? लोग ऐसा कहते कि जहाँ सड़क नहीं पहुंची देश में, वहाँ संघ की शाखाएं पहुंच गई हैं, देश का, तो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बताया जाता है। तो क्या हो गया? आप पहुंच गए, आप पाताल में पहुंच गए, आप आसमान में पहुंच गए, उससे हो क्या गया ना? बात, सवाल ये है कि पहुंच गए उससे क्या मतलब होता है? बात ये है कि पहुंच करके आपने क्या किया, आपने विजन क्या दिया? नफरत फैलाने के लिए आप पहुंच गए और उसको आप बहुत बड़ी अच्छी बात मान रहे हैं। संघ से राष्ट्रपति आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, अफसर आ रहे हैं, सर आप वहां से चले आए। मैं ये कह रहा हूँ कि संघ से नहीं आ रहे हैं राष्ट्रपति, भारत के संविधान से आ रहे हैं।
ये गलतफहमी है आप। ये लोग तो वहाँ जाते थे ना शाखाओं में पहले, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आदमी जिम में भी जाता है तो आप कहेंगे कि जिम से आ रहा राष्ट्रपति? लेकिन उनके बयानों को खबरें बनाई जाती हैं भागवत के, खबरें बनाई जाती है। ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है ना, ये मीडिया का प्रॉब्लम है। ये प्लांटेड चीज है कि आप ऐसा बना रहे हैं। नहीं तो बात ये है कि संघ से आकर के राष्ट्रपति तो बन रहा है, तो फिर वो संघ में रह करके और सरसंघ चालक बन जाता, वो क्यों नहीं बन रहा है? लोग कह रहे हैं कि देश की बागडोर है ना जो संघ के हाथ में आजकल। वो तो पहले दिन से वो खुद ही क्लेम करते रहते हैं हर चीज में। वो कहते हैं कि देश का आजादी का काम सारा हमने किया है, कश्मीर हमने बचाया। सरकार के पीछे संघ का हाथ ऐसा कहा जाता है? संघ का हाथ पांव सब कुछ है, संघ खुद ही सरकार है और सरकार में संघ है। सर, मोहन भागवत ने कहा कि दलितों की बारात घुड़चढ़ी सबकी एक साथ होनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। 100 साल बाद करीब इस बात का मामला प्रकाश में आया, क्या पहले से नहीं पता था संघ वालों को देश में से जातिवाद हो रहा दलितों के साथ में? बहुत सारी जगहों पे संघ के कैडर दलितों पर अत्याचार में आगे हैं, और ये कौन उतार रहा है घोड़ी से? जो घोड़ी से उतारने वाला तबका है वो तबका संघ का समर्थक तबका है, तो संघ के ही लोग उतार रहे हैं। तो अच्छी बात है अगर उन्होंने ये कहा है कि भाई अब नहीं उतारेंगे, तो सबसे पहले उनको अपने लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि भाई अब मत उतारो। क्या बहुत लेट नहीं हो गया संघ इस मामले में? ये बयान इतनी देर बाद आया सर। देखिए, वो अभी जिस तरह के बयान मोहन भागवत जी दे रहे हैं उसमें तो ऐसा लगता है कि उनको नोबेल पीस प्राइज पाने की बहुत जल्दी है, इसलिए वो सब प्रकार के बयान दे रहे हैं। वो LGBTQ को लेकर के भी उनके बहुत अच्छे प्रोग्रेसिव बयान हैं। आपको लगेगा इतना बढ़िया बढ़िया बयान दे रहे हैं तो आप क्यों उस पे नाराज हो रहे हैं? इतना तो महान व्यक्ति हैं। लेकिन बात यह है कि कहना एक चीज़ है, ये कथनी का सवाल नहीं है, करनी का सवाल है। वो जो कहते हैं उनका काडर उसके ठीक विपरीत काम करता है। कहते जाति पंडित ने बनाई है। हाँ, वो तो कहा ना, फिर बाद में उनके बयान फिर उन्होंने बदल भी दिया। थोड़े ज़्यादा देर चला नहीं ना, सुबह कहा, शाम को उनके एक बड़े पदाधिकारी ने कह दिया कि भाई हमारा मकसद, हमारा मतलब वो नहीं था। हिंदू राष्ट्र बन रहा है सर देश में, लोग ऐसा कहते हैं। बन रहा है ये कहना थोड़ा सा गड़बड़ बात है। मेरा ये मानना है कि बन चुका है, केवल संविधान में जो सेक्युलर शब्द है वो शब्द किसी भी दिन निकाला जा सकता है, बाकी तो आचरण में ये देश हिंदू राष्ट्र ही है। क्योंकि कोई भी बड़ा यूनिवर्सिटी बने उसका नींव का भूमि पूजन होता है इस देश में। राफेल लाया जाता है तो उसका पूजन किया जाता है, सब कुछ तो उन्हीं के तौर तरीकों से हो रहा है। तो हिंदू राष्ट्र कब नहीं था? मेरे ख्याल से हिंदू राष्ट्र है यहाँ। योगी जी ने एक नया फरमान जारी कर दिया कि दलित की जमीन बिना DM की परमिशन के कोई भी खरीद सकता है। मुझे लगता है कि ये एक डिजास्टर जैसा है, एक आपदा जैसी बात है, क्योंकि बहुत मुश्किल से संविधान आने के बाद में दलितों को जमीन का अधिकार मिला, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में तो जमीन का अधिकार नहीं था, अधिकार ही नहीं था, कर्तव्य था केवल इनका। तो अधिकार जब मिले और उन अधिकारों का उपयोग करना शुरू किया दलितों ने, तब उनको अधिकार विहीन बनाने का जो काम ये विचारधारा कर रही है, जिसमें योगी जी, मोदी जी सब लोग हैं, भागवत जी सब लोग हैं, तो मुझे लगता है कि वो कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, वो तो अपने एजेंडे पे चल रहे हैं। और ये समझना दलितों आदिवासियों को चाहिए अब कि किस तरीके से उनको जो अधिकार मिले हैं वो उनके हाथ से अब छीने जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में केवल उनको सर्विस करना है, वो फिर से शूद्रत्व को प्राप्त होने वाले हैं। सर, बाबा साहब ने समता सैनिक दल बनाया था 1924 में, और 1925 में बना संघ, एक साल बाद बना, लेकिन समता सैनिक दल कहीं टिकता नजर नहीं आ रहा है संघ के सामने। सर, किसकी कमी मानते हैं? संगठन के तौर पे समता सैनिक दल टिके नहीं टिके, लेकिन समता का विचार जो है वो तो शाश्वत है और वो जिंदा रहेगा। और डॉक्टर अंबेडकर ने जो बीज बोया है इस देश में वो संविधान के रूप में भी लागू है, और ये लड़ाई सदैव जारी रहेगी। तो मेरा ये मानना है कि हो सकता है कि संगठन के तौर पे कमज़ोर हो समता सैनिक दल, लेकिन समता सैनिक दल का जो बराबरी का विचार है, समानता का विचार है, समता का विचार है, उस विचार में कोई कमजोरी नहीं है, वो उतना ही सशक्त। सर, लोग कह रहे हैं कि जो संघ के कार्यकर्ता हैं उससे जो है हिंदुत्व मजबूत हो रहा है, वो शाखा लगाते हैं, और मुस्लिम टाइट है आज देश में। देखिए, मेरा ये मानना है कि 14% अल्पसंख्यकों से
बाकी बड़ी आबादी को डरा करके आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान टाइट है। मुझे लगता है कि हिंदुओं को टाइट कर दिया इन्होंने नोटबंदी से लगा के तमाम चीज़ें करके, और वो इतना टाइट हो गया है कि केवल वो मुसलमान को टाइट करने के नाम पर खुद ही टाइट होता जा रहा है और निरंतर लूटता पीटता जा रहा है और उसकी स्थिति बदतर होती जा रही है। और सबसे ज़्यादा डरा हुआ समाज आज की तारीख में उन्होंने बना दिया है, जो उन्होंने कहा था कि हम एक सशक्त समर्थ और निर्भीक हिंदू बनाएंगे। मुझे लगता है कि सबसे डरपोक हिंदू 2023 में बना करके आरएसएस ने। लेकिन सर बुलडोज तो मुस्लिम हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर। बात केवल बुलडोज होने की बात नहीं है, बात बुलडोजर न्याय जो स्थापित किया जा रहा है उस पर सवाल उठाने की है कि आप संविधान से ऊपर की सत्ताएं निर्मित जो कर रहे हैं, फिर जज की क्या जरूरत है, क्योंकि आपने एक जज और बिठा दिया ना बुलडोजर वाला, तो उस पर सवाल करना पड़ेगा। आज ये बुलडोजर जो मुसलमान के घर पे चल रहा है ये किसी भी दिन आपके घर तक पहुंचेगा, इस खतरे को पहचाने। कम शब्दों में अगर आप बोलना चाहें तो रियलिटी आरएसएस। देखिए जिस तरह का आज वो सामने आ रहे हैं संघ के लोग, संघ का पूरा आइडिया वो ये स्थापित कर रहा है कि जो वर्ण व्यवस्था या मनुस्मृति पर आधारित जो समाज व्यवस्था थी उसकी पुनर्स्थापना ही संघ का रियलिटी है, उसके अलावा और अलग से कोई रियलिटी नहीं है। वो अब अपने आप में ही हर दिन में मुझे लगता है कि वो हर दिन एक्सपोज हो रहे हैं, तो अलग से हमको उसको कहने की ज़रूरत नहीं है कि उनकी रियलिटी क्या है। वो रियलिटी तो सब लोग पहचान रहे हैं, पर रियलिटी को पहचानने के बावजूद भी देश के लोग उस खतरे से सावचेत हो पा रहे हैं क्या, ये महत्वपूर्ण सवाल है।